Hi everyone, I am Dr. S. M. Raju. क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट्स को, लिवर सिरोसिस पेशेंट्स को, आईएलडी पेशेंट्स को बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, खाना कैसा बनाना, इस संदर्भ में मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्टली सेपरेट खाना उन लोगों को नहीं बनाना है। सेपरेट खाना बनाए तो टेस्ट ना होने की वजह से कुछ ना कुछ बाहर खा लेता है, अगेन प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसलिए जो भी परिवार बनाता है उसी तरह से बनाना है, सिर्फ नारियल नहीं डालना है, प्लस नमक नहीं डालना है। नमक हम जो एक्सप्लेन करेंगे उस तरह से नमक डालना है। तड़का 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून घी में ही देना है। अभी प्रक्रिया कैसा है, मान लीजिए साग हो, सब्जी हो, उबाल दिया विथ ऑल मसाला, उबालने के बाद में उसका पानी को निकाल दिया सेपरेट, देन उसको निकाल दिया सब्जी को, देन उसको तड़का देना, और तड़का दे करके कितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी पेशेंट को लेना, रिमेनिंग को आप लोगों को कैसा चाहिए नमक उतना डाल करके आप लोग खा लीजिए परिवार। इनको 1 ग्राम का ही सीमित रखना है। सेम टाइम दाल भी हो, सब्जी भी हो या साग हो, जो भी आइटम आप बनाता है, सो इवन फिश हो या चिकन हो, हर चीज़ ऑयललेस रहना चाहिए, नमकलेस रहना चाहिए। सारे प्रिपेयर हर मसाला लगा करके प्रिपेयर करने के बाद में इनका क्वांटिटी निकालने के बाद में आप लोगों को नमक डालना है। इससे एंटायर परिवार भी स्वस्थ हो जाता है और जो बीमारी में है परिवार में वो भी 100% उस रोग से मुक्ति हो जाता है। इसलिए आप लोगों बनने के समय पर गार्डियंस, हमको वो प्रॉब्लम हुआ तो मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, इसको आप मन में रख करके उनको खाना बनाना है, देन ओनली वो रोग से मुक्त हो सकता है, यही मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू।